हेलो एवरीवन आज मैं आप सभी के साथ वी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कभी ना कभी ये थॉट्स आप में भी आए होंगे कि क्या मुझे वी ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लेनी चाहिए या तो आप किसी से पूछे होंगे नहीं तो जो थॉट्स है जो कंफ्यूजन वाला थाट्स अभी भी आप ही के साथ ही होगा कि शुड आई ज्वाइन वी एल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सो ये वीडियो में मैंने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किए हैं सो so, आप अगर ये वीडियो को देखते हैं तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वी एल से एस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में या वी एल एस ट्रेनिंग के ऊपर वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सो so, इसीलिए एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिए टू हैव ए ग्रेट वी एल एस ए कैरियर ओके okay? सो so, जो वी एल एस ए ट्रेनिंग सेंटर होता है नॉर्मली वो लोग जो बी टेक प्रेसर्स होते हैं मतलब जो बी टेक पास आउट हो गए हैं या तो जो एम टेक पास आउट हो गए हैं तो उन्हीं के लिए वो ट्रेनिंग दिया जाता है मोस्टली थ्री मंथ्स टू ये जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना वो उनका जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स होता है ओके थ्री टू सिक्स मंथ्स एंड जो भी ट्रेनिंग सेंटर है मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर आपको इधर तो बेंगलोर में मिलेंगे नहीं तो हैदराबाद में मिलेंगे नोएडा में मिल सकते हैं न्यू डेली में मिल सकते हैं पुणे में मिलेगा चेन्नई में मिलेगा ओके okay? लेकिन मोस्ट जो जो ट्रेनिंग सेंटर फेमस ट्रेनिंग सेंटर सब है मोस्टली आपको बंगलोर हैदराबाद एंड नोएडा में मिलेंगे ओके okay? और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये मोस्टली वेले से ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बोल रहा हूँ ओके okay? ये मोस्टली ई स्टूडेंट को अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को अलाउ करते हैं ट्रिपल स्टूडेंट e को अलाउ करते हैं और कुछ कुछ ट्रेनिंग सेंटर है जो सी एस स्टूडेंट को भी अलाउ कर लेते हैं ओके okay? और ये लोग ट्रेनिंग क्या देते हैं ये लोग ट्रेनिंग होता है इनका आर टी एल डिज़ाइन देन एसिक डिज़ाइन एंड वेरीफिकेसन देन सिंपली वेरीफिकेशन का भी एक उनका एक uh, कोर्स मॉड्यूल होता है जिसमें सिस्टम वेरी लॉग एंड यू सिखाया जाता है देन फिजिकल डिज़ाइन लेआउट डिज़ाइन डी एफ टी दे डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी देन स्टार्टिंग टाइमिंग एनालिसिस ट्रेनिंग देन एनालॉग ट्रेनिंग सो ये सब ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है और इसके फीस थर्टी थाउजेंड से लेके थर्टी थाउजेंड से लेके कर वन लाख ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन से आ, कौन से कोर्स आप आप चूज किए हैं उस हिसाब से आपको डिपेंड करेगा थर्टी थाउजेंड टू वन लाख ओके सो फर्स्ट थिंग जब भी आप कभी आपके मन में आया होगा कि मैंने मुझे क्यों वी एल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेनी चाहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको पता होगा हुआ है क्योंकि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन क्यों आपको ज्वाइन करना है कि आपको एक कैरियर चाहिए या आपको आप में एक पैसन है वी एल जो बोला जाता है ना एक चीफ डिज़ाइनिंग जॉब के लिए सो so, ये आपको पता हो होना चाहिए और ये प्रॉपर वे से आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपके आप, आप किसी से इन्फ्लुएंस हैं या आप किसी किसी से बायस हो गए ऐसा नहीं है तो इधर आपको आपको पता होना चाहिए कि आपको इधर एक कैरियर चाहिए मीनस जस्ट अ केरियर लाइक जस्ट अ जॉब क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है तो आप बीटेक पास आउट हो चुके हैं या एमटेक पास आउट हो चुके हैं तो आपको एक जॉब चाहिए तो बस इसीलिए आपको एक कैरियर बनाना है तो आप इसलिए भी एल ऐसा इंस्टीट्यूट वी एल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेना ज्वाइन करना चाहते हैं या तो आप में वो फैसन है कि आपको बीटेक के बाद वो कोर फील्ड में ही जाना है और कोर का मतलब देखिए इंडिया में कोर का मतलब होता है वी ओके वी और एम्बेड सिस्टम ओके इसके अलावा इंडिया में कोई कोर नहीं है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ओके सो यू शुड बी श्योर एक्चुअली यू शुड बी श्योर डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन ओके इधर फॉर ए जस्ट फॉर ए जॉब और आप आपके पैसन को फॉलो करना चाहते हैं ओके okay? तो जब भी कभी भी कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि मुझे क्यों वी एल से ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए एंड वाइट शुड आई ज्वाइन वी एल ट्रेनिंग सेंटर मैं हमेशा एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता हूँ फाइनेंशियल स्टेटस ओके पहला क्वेश्चन हमेशा यही आता है फाइनेंशियल स्टेटस कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए वी से ट्रेनिंग क्योंकि वी एल एसी जो ट्रेनिंग होता है ना ये बहुत कॉस्टली होता है शायद बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये मे भी जिनके पास पैसा ऐसा है शायद उनको चीप लगता होगा लेकिन एक्चुअली बहुत कॉस्टली है वन लाख रुपीज़ कैन यू कैन यू इमेजिन जो फिजिकल डिज़ाइन कोर्सेस होते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें अराउंड वन लाख रुपीज़ है तो क्या आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है देन फर्स्ट थिंग फाइनेंशियल स्टेटस नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आपको एक करियर बनाना है कोर फील्ड में कैरियर बनाना है तो डेफिनेटली आप वी से ट्रेनिंग सेंटर तो चूज कर सकते हैं और ये डेफिनेटली मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा यस यू शूड ज्वाइन वी एल ट्रेनिंग सेंटर तो अगर आपके पास अगर एक स्टेबल स्टेबिलिटी है फाइनेंस को लेकर एक स्टेबिलिटी है एंड आपके पास एक पैसन है कि आपको वी एल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में जाना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करना चाहिए ओके नेक्स्ट है कि जो वी एल से ट्रेनिंग सेंटर है जो जितने भी वी एल से ट्रेनिंग सेंटर आपको इंडिया में मिलेंगे मोस्टली जो जो भी होते हैं जो भी देखिए फॉर एग्जांपल आप अगर वी एल से ट्रेनिंग सेंटर किसी वी एल से ट्रेनिंग सेंटर को विजिट करते हैं तो आपको बोलोगे पैम्पलेट देंगे नहीं तो एक आपको कार्ड दे सकते हैं वो कार्ड में देखिएगा या आपको बताएंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका जो सीईओ है ना वो सीईओ सीईओ के पास 20 इयर्स 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 10 टू टेन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है वीएलएस का एक्सपीरियंस है रियल टाइम एक्सपीरियंस है इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं और आपको बहुत कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं उनसे हमेशा आपको ये बोला जाता है और ये ये फैक्ट है ये जो भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना ये ट्रेनिंग सेंटर कोई स्कूल के टीचर नहीं खोलते या कोई स्कूल के और सॉरी कोई कॉलेज के प्रोफेसर कोई बड़े इंस्टीट्यूट के या कोई जैसे कि होता है ना आई आई टीज एन आई टीज़ और कोई यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो लोग वी एल पढ़ाते हैं वो लोग कभी नहीं खोलते वी एल से ट्रेनिंग सेंटर ये कौन खोलते हैं ये लोग जिनके पास इंडस्ट्री का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है तो इधर वो कंपनी कम, में बहुत साल एक्सपीरियंस हो गया उन लोगों को ओके तो हमेशा जो भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं तो वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो पीपल होते हैं वो ही खोलते हैं उसको पहले भे, से ट्रेनिंग सेंटर से और जो बताया जाता है आप लोगों को जब आप ट्रेनिंग सेंटर से ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और जो बताया जाता है कि हमारे सी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है वो फैक्ट है वो वो हंड्रेड फैक्ट है इसमें कोई कोई डिनाई नहीं कर सकता ओके हंड्रेड परसेंट फैक्ट है सो so, उसके बाद क्या होता है वो लोग जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कुछ कुछ लोग अपने दिमाग लगाते हैं कुछ कुछ जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस होने के बाद वो अपना दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं वो लोग एक ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं क्यों खोलते हैं इसका भी रीज़न है ओके okay. ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं ओके okay. और उसके बाद वो लोग क्या होता है वही ट्रेनिंग सेंटर के और और ये भी देखिएगा जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं कभी कोई इंडिविजुअल मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं खोलेगा ये वेले से ट्रेनिंग सेंटर ये दो तीन मिल के खोलते हैं ओके मतलब दो तीन अपने फ्रेंड सर्कल में जो जो भी जिनका भी एक्सपीरियंस है या अपने कॉलेज लाइफ से जो लोग फ्रेंड है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं तो वो लोग मिलकर ये ट्रेनिंग सेंटर खोल लेते हैं ओके okay? और कंपनी अभी वो ट्रेनिंग सेंटर का सीईओ बन जाते हैं तो जब भी आपको कोई पैम्पलेट दिया जाएगा या कोई कार्ड दिया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में वो हंड्रेड ये है फैक्ट है कि उनके जो सी हैं तो वो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है रियल टाइम एक्सपीरियंस है और आपको बहुत सारा सीखने के लिए जो मिलेगा जो बोलते हैं वो लोग रिसेप्शनिस्ट जो भी बोला जाता है वो फैक्ट है ओके जो ट्रूथ क्या है मैं आप लोगों का भी बता रहा हूँ ओके okay? सो so, अभी आते हैं कि व्हाट दे टीच इज इट वर्थ जो भी वो लोग पढ़ाते हैं क्या ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है डेफिनेटली डेफिनेटली ये है तो मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि जो भी उनके कंपनी जो आपको बोला जाता है कि उनके कंपनी का सीईओ ओ है जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो तो फैक्ट है वो वो एक्सपीरियंस्ड है उनके पास नॉलेज है रियल टाइम नॉलेज है वो रियल टाइम प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं तो जब आप वो आपको पढ़ाए तो क्या होता है देखिए सुनिए आराम से कि जब वो ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग सेंटर खोला जाता है उसमें वही लोग पढ़ाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है जिनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है उन्हीं लोग पढ़ाते हैं पहले ओके और क्योंकि वो कंपनी में कंपनी वो कंपनी में भी काम करते रहते हैं और आपका ट्रेनिंग सेंटर भी होता है तो ट्रेनिंग सेंटर में ही पढ़ाते हैं वो लोग अपने कंपनी में भी काम करते हैं ओके तो इस तो आपको जो उनसे सीखते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे ऐसा बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर है वो वैसे स्टार्ट हुआ है और जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है उसमें से जो स्टूडेंट्स निकले हैं वो बहुत कुछ सीखे हैं उन लोगों से क्योंकि एक आप एक जिसके पास एक इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उन उनसे आप सीख रहे हो और फ्रेशर से सीख रहे हो और ये कॉलेज का प्रोफेसर से सीख रहे हो तो डेफिनेटली वो मैटर करता है ओके तो डेफिनेटली वट द टीच इज़ डेफिनेटली वर्थ अभी के लिए वार्त है लेकिन मैं आपको और एक इंसिडेंस बताऊंगा मतलब और एक कुछ सिनेरियो बताऊंगा कि क्या होता है ओके क्योंकि वर्त इसीलिए भी है क्योंकि आप जब बी डिग्री करके निकलते हैं अब आप अपने कॉलेज से जब बी डिग्री या एम डिग्री कर करके निकलते हैं मतलब ट्रेनिंग सेंटर के तरफ से सॉरी ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनिंग सेंटर के लिए तो जो बीटेक में जो पढ़ाया जाता है या एमटेक में जो पढ़ाया जाता है वो वर्थ नहीं है वो आपको एक वी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए या एक वी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने के लिए या वी इंडस्ट्री में मतलब वो वी एल नॉलेज जो भी आप गेन करते हैं आपने बीटेक बीटेक डिग्री में या एम डिग्री में वो वो सिमिलर टू जीरो ओके okay, मतलब आपको ऐसा कोई भी ऐसा कोई नॉलेज कुछ भी नॉलेज नहीं मिलता अपने डिग्री में बीटेक या एमटेक डिग्री में जिसको आप यूटिलाइज करके एक वी इंडस्ट्री में आप जॉब ढूंढ सकें ओके okay, आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगा ये मैं हंड्रेड परसेंट दे रहा हूँ ये मैं आपको मतलब ए ट्रूथ है ये ये आपको ही पता होना चाहिए कि जो हमारे जो बीटेक के स्टूडेंट हैं या एम के स्टूडेंट हैं और जो पास आउट हो जाते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ए जॉब फॉर दैम इन वी इंडस्ट्री ओके तो तो आप ये सोचिए कि डेफ़िनेटली जब आप वी से ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो सिखाया जाता है डेफिनेटली वो वर्थ है क्योंकि जो जो चीज़ है जो नॉलेज आपको अपने चार साल के डिग्री में या दो साल के एमटेक डिग्री में नहीं मिला वो आपको थ्री टू तो सिक्स मंथ्स में वो वो सब चीज़ आपको सीखने के लिए मिलता है और मतलब जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एक वी एल कंपनी के लिए जो नॉलेज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक नॉलेज है और जो सॉफ्टवेयर का स्किल है या जो आपको कोडिंग का स्किल है तो वो स्किल आपको एक वी से ट्रेनिंग सेंटर दे सकता है और और एक भी चीज़ है वी से ट्रेनिंग सेंटर आप क्यों ज्वाइन ज्वाइन करना एक वर्थ होता है क्योंकि वी से ट्रेनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सॉफ्टवेयर मोस्टली आपको फ्री में नहीं मिलते तो जब आप ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे तभी जाके वो सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो सकता है मान लीजिए आपके पास नॉलेज आप जानना चाहते हैं आप सीखना चाहते हैं आपको पैसन है वी एल इंडस्ट्री में वी एल इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए तो आप तो इंटरनेट से सीख सकते हैं थ्योरी लेकिन आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए हमेशा आपको सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं मिलेगा चलो मान लीजिए आपको जयलिंग्स या मॉडल्सम फ्री में मिल गया लेकिन ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है ज... जैसे फिजिकल डिज़ाइन एनालॉग डिज़ाइन बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा फ्री में तो आप क्या क्या करेंगे तो जो ट्रेनिंग सेंटर है आप पैसा दे रहे हैं भले ही मैंने जैसे बताया अभी थर्टी थाउजेंड टू वन लाख रुपीज़ तो आप पैसा तो पे कर रहे हैं लेकिन इस पैसा का आपको पूरा कीमत भी मिलता है मतलब आपको नॉलेज भी मिलता है आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी मिलता है जो कि आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होता है जॉब ढूंढने के लिए या आपको जो प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए तो डेफिनेटली जो भी वो पढ़ाते हैं वो डेफिनेटली वर्थ है और एक भी चीज़ है कि बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर है वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जो बेंगलोर हैदराबाद में क्योंकि आप इतना पैसा दे रहे हैं और क्योंकि जो कंपनी वगैरह जो सी ओ आपका जो कंपनी का सॉरी आपके जो ट्रेनिंग सेंटर के हेड होते हैं उनका बहुत सारे लिंक रहते हैं ओके okay, बहुत सारे कंपनी में लिंक रहता है क्योंकि वो खुद एक कंपनी में काम करते हैं मैक्सिमम वो कंपनी में काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ डील करते हैं और एक उनका एक मतलब एक ब्रांड हो जाता है तो देखिए मैं ब्रांड बोला क्योंकि ब्रांड के साथ आपको प्लेसमेंट मिलता है ओके okay? तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है प्लेसमेंट इसीलिए होता है क्योंकि उसमें उन्हीं के पास एक ब्रांड का नेम है ओके तो बोलो डेफिनेटली एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये सोचिए जो चार साल जो चार साल में जो आपको जो इंस्टीट्यूट आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाया और जो मिनिमम नॉलेज आपको दे नहीं पाया वो एक सिक्स थ्री टू सिक्स मंथ्स में आपको मिल जाता है भले ही आप थोड़ा पैसा मतलब एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहीं पे बताया था कि आपको फाइनेंशियल स्टेटस अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अगर स्ट्रांग है तो आप अगर पैसा पे कर सक तो आप अगर पैसा पे कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली जो मिनिमम नॉलेज है वो आपको वी एल कंपनी वी एल ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा और आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वो भी मिल जाएगा ओके okay. और एक चीज़ भी है जो वी एल ट्रेनिंग सेंटर में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है तो हम लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि जो वही तो फ्रेशर्स होते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं मोस्टली वो फ्रेशर्स होते हैं उनको वेले इंडस्ट्री जो मार्केट में क्या होता है उनको नहीं पता है तो जो भी नॉलेज दिया जाता है उनको लगता है कि एनआफ़ है ये एनऑफ है और उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी है और उनको ये नॉलेज के साथ अगर वो अगर वेले वेले से ट्रेनिंग सेंटर से निकलते हैं तो उनको जॉब मिल जाएगा जो एक्चुअली फैक्ट नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोस कॉन्स ये सब है ओके okay? सो so, ये एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ओके okay. एक्चुअली क्या है ये चीज अभी देखिए रियल चीज क्या है सो so, मैं अभी यहां पे क्या क्या समझाया आप लोगों को यहां पे देखिए इज इट वर्थ व्हाट द टीच यस लेकिन और एक सिनेरियो है व्हाट द टीच इज इट वर्थ नो क्योंकि जब किसी जब मैं मैं पहले भी आपको बताया हूँ जब किसी भी ट्रेनिंग सेंटर खुलता है स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली उनमें जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन क्योंकि क्योंकि वो जो सर्किल होता है जो लोग खोले हैं जो लोग ट्रेनिंग सेंटर ओपन किए हैं वही लोग पढ़ाते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो उनसे आप सीख सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है लेकिन क्या होता है जब टाइम आगे बढ़ता है ना जब आगे बढ़ता है टाइम आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है तो अभी क्या होता है वो लोग नहीं पढ़ाते ट्रेनिंग सेंटर में भले ही आप लोगों को एक ट्रेनिंग सेंटर में एक पैम्पलेट दिया जाता है या कार्ड दिया जाता है कि हम लोगों का सी के पास पंद्रह बीस साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है लेकिन अभी क्या हो रहा है देखो एक सीनारी में एक सीनारी में क्या होता है वहाँ पर वो वो लोग पढ़ाते हैं ऐसा बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं बहुत कम ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है एक्चुअली पहले बहुत सारे जो कंपनी के हेड होते थे ना वही पढ़ाते थे लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है जब ट्रेनिंग सेंटर ओल्ड हो जाता है उनका नेमिंग जब आ जाता है ब्रांड हो जाता है ब्रांड बन जाता है वो लोग क्या होता है उसके बाद जो लोग ट्रेनिंग सेंटर ओपन किए हैं जिनके पास रियल एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो लोग उन्हें नहीं पढ़ाते वहीं पे वो ट्रेनिंग सेंटर में वो लोग पढ़ाना बंद कर देते हैं ओके वो एक साइड बिजनेस हो जाता है ट्रेनिंग सेंटर उन, उन लोगों के लिए एक साइड बिजनेस हो जाता है तो अभी क्या होता है किन लोग पढ़ाते हैं जो पास आउट होते हैं वहीं से जो ट्रेनिंग सेंटर से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं और जिनको जॉब नहीं लगता या जो लोग मतलब जो कंपनी के मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर के हेड होते हैं उनसे बात करके वहीं पे बोलो क्या हो जाते हैं उनके जो वी का लैब होता है ना वहीं पे वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं ट्रेनिंग सेंटर के बाद मतलब जो लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद वो ही ट्रेनिंग सेंटर में बोलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं अभी आप सोचिए साल पहले वो जो ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर के ओनर थे वो पढ़ाते थे तो उससे जितना नॉलेज मिलता था क्या आपको लगता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं मतलब जिनको जॉब नहीं मिला और उसी कारण उनको जॉब नहीं मिला और उसी कारण और उनको क्योंकि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उन, उनको भी थोड़ा एक रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस चाहिए उनको भी सॉफ्टवेयर का एक्सेस चाहिए क्योंकि वो भी अगर पास आउट होकर चले जाते हैं सेंटर से ट्रेनिंग सेंटर से तो वो भी सॉफ्ट सौप, सॉफ्टवेयर उनको नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए तो वो लोग क्या करते हैं अपना एडवांटेज के लिए बोलो ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं और जो नेक्स्ट बैचेस सब आते हैं ना उनको बोलो गाइड करते हैं तो उनको तो एक्सपीरियंस मिल रहा है उनको तो एक्सपीरियंस मिल जाता है जो लोग गाइड करते हैं आपको वेले से ट्रेनिंग सेंटर में जो फ्रेशर्स हैं जिनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है वो उनको तो उनको तो फ़ायदा है उनको तो एडवांटेज है लेकिन जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको एक्सपीरियंस उनको एक्सपीरियंस से उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ओके सो ऐसे केस में आपको तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जा मिल जाता है और नहीं भी मिलता है डिपेंड करता है कि आप एक वेले से ट्रेनिंग सेंटर आपका ब्रांड है या नहीं है मतलब उसका ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में वो डिपेंड कर उसी हिसाब से आपका प्लेसमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है देयर इज नो गारंटी दैट ओके कि प्लेसमेंट होगा बोल के अभी मान ली जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है जो टीचर सब एक्सपीरियंस नहीं है बस जो पढ़ाया गया है उन लोगों को बस उसी चीज़ को बोलो रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को कुछ नया चीज़ नहीं है उसी में ओके okay, तो आप ये सोचिए तो कि द टीच इज इट वर्थ डेफिनेटली फॉर मेड इज नो ये मेरे लिए वर्थ नहीं है शायद आपके लिए जो फ्रेशर्स होते हैं उनको नहीं पता है ये ये चीज़ के बारे में कि उनको शायद लगता है कि जो पढ़ा है वो वर्थ है लेकिन डेफिनेटली इट इज़ नॉट वर्थ क्योंकि हमेशा प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड जैसी प्लेसमेंट के लिए जब प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी आता है ना जब प्लेसमेंट का सीजन आता है ट्रेनिंग सेंटर में तो प्लेसमेंट डेफिनेटली वो प्लेस बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर ऐसे भी हैं जो प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं ओके तो बस बोला जाता है कि आपको 100% परसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा ऐसा नहीं बोला जाता कि आपको 100% परसेंट प्लेसमेंट दिया जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा मैं भी तीन चार कंपनी पांच कंपनी आ सकते हैं और जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर है जो ब्रांड ब्रांडेड ट्रेनिंग सेंटर है उनमें शायद पचास पचास फिफ्टी सिक्सटी कंपनी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी कंपनी विजिट कर सकते हैं ओके और उससे आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को जॉब लग भी सकता है उसमें मैं डिनई नहीं कर रहा हूँ वो फैक्ट को वो ट्रेनिंग सेंटर में जॉब लगता है और उसका सैलरी भी ज़्यादा नहीं होता है एट थाउजेंड टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड नॉट मोर देन दिस ओके और कुछ कुछ कंपनी में कुछ कुछ कंपनी होते हैं जो फाइव लाख भी ऑफर कर लेते हैं okay? ओके मतलब फ्रेशर्स को भी हेले से ट्रेनिंग सेंटर में देखिए ऐसा भी कंपनी है जो पर मंथ एट थाउजेंड भी देते हैं टेन थाउजेंड भी देते हैं और ऐसा भी कंपनी है जो पर एन हम फाइव लाख सिक्स लाख देके भी ट्रेनिंग सेंटर से रिक्रूट करते हैं बट डिपेंड करता है ओके डिपेंड करता है ये प्लेसमेंट सीजन के ऊपर ओके सो so, लेकिन जब प्लेसमेंट का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आता है तो बहुत कम लोगों को प्लेसमेंट बहुत सारे से ट्रेनिंग सेंटर है बहुत कम लोगों को प्लेसमेंट मिलता है ऐसा तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर भी हैं बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है और जब प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी का टाइम आता है ना बहुत सारे क्राइटेरिया पूट करते हैं ओके बहुत सारे क्राइटेरिया लगाते हैं ओके पहले नहीं बताया जाता आप लोगों को कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपका सिक्सटी परसेंट होना चाहिए अटेंडेंस आपका होना चाहिए आपको सब असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो ये सब क्राइटेरिया प्लेस बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं वो क्या जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं वो लोग क्या करते हैं मतलब स्टूडेंट को छाँटने के लिए स्टूडेंट को प्लेसमेंट से क्योंकि सभी को प्लेसमेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना नेगेटिव स्टूडेंट स्टूडेंट्स के बारे में कि आपका ये ये नेगेटिव है तो इसलिए हम आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं या आप बहुत सारे कंपनी में अलाउड नहीं हैं तो बोलो क्या करेंगे बहुत सारे क्राइटेरिया देंगे कि आपका मिनिमम सेवेंटी परसेंट होना चाहिए या मिनिमम सिक्सटी परसेंट होना चाहिए बी टेक में या एम टेक में उसके बाद वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे आपके पास आ, आ, मतलब ईयर गैप नहीं होना चाहिए ईयर गैप नहीं होना चाहिए क्राइटेरिया हो सकता है कि आपका अटेंडेंस सही नहीं है या क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपने सभी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया बहुत सारा क्राइटेरिया भी पुट किया जाता है ओके ये फैक्ट है ये ये फैक्ट है शायद आप लोगों को नहीं पता है लेकिन ये फैक्ट है एक्चुअली तो ये सब चीज़ें आप संभल के रहिएगा क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं आपका बहुत सारा पैसा लगता है तो बहुत सारा पैसा लगता है तो आपको सीखना भी है ट्रेनिंग सेंटर में और आप ये सब चीज़ों को पूछ लेना है आप लोगों को कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है क्या बोल के ओके और एक चीज़ है कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर हो, होते हैं ना वो मोस्टली रियल टाइम प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करते हैं मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको नहीं देते हैं यार जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल इस साल इस साल में जो बैचेस आए ना जो बैचेस को जो प्रोजेक्ट देते हैं नेक्स्ट ईयर भी वही वही प्रोजेक्ट उसके अगले साल भी मतलब वो कंटिन्यूअसली वही प्रोजेक्ट को वही मतलब वो ही रिपीटेड प्रोजेक्ट को देते रहते हैं सो so, क्योंकि आपको अगर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के बारे में अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सभी को जॉब लग जाएगा मान लीजिए जौ, जिसको जॉब नहीं लगा तो वो क्या करेंगे उनको तो नॉलेज गेन करना है ना तो इसलिए वो लोग क्या होता है मोस्ट केसेस में क्या होता है वो लोग जो जो भी प्रोजेक्ट देते हैं बोलते हैं तो रियल टाइम प्रोजेक्ट है लेकिन उतना भी रियल टाइम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं है वो और वही प्रोजेक्ट को हर साल रिपीट होता है सो so, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि आपको अगर जॉब नहीं मिलता है और आप आप अगर ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट हो जाते हो तो ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए जॉब ढूंढना ओके क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स में जब तक आप हो सिक्स मंथ्स थ्री टू सिक्स मंथ्स या मान लीजिए वन ईयर भी है ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग तो जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर में हैं आप सेफ सेफ मोड में होके okay? सेफ जोन में हैं मतलब जब आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर हो जाएंगे मतलब बिना जॉब के इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब आउटसाइड ओके सो ये बहुत डिसएडवेंटेज है क्योंकि आपको अगर मान लीजिए ट्रेनिंग का तो एक्सपीरियंस है आपको नॉलेज है लेकिन आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस का नॉलेज नहीं है और रियल टाइम प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं है आपको रियल टाइम क्योंकि वो रियल टाइम प्रोजेक्ट को बोलो हैंडल नहीं कर पाते हैं वहीं पे अगर मान लीजिए अगर वेले से ट्रेनिंग में अगर रियल टाइम का प्रोजेक्ट हैंडल करते वो लोग रियल मतलब स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट है कि एक केस स्टडी होता है वहाँ पे तो बहुत सारे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में केस स्टडी भी नहीं होता है कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए केस स्टडी नहीं करवाते हैं तो मान लीजिए अगर ऐसा अगर होता है तो आपको भी अगर मान लीजिए जॉब नहीं भी मिला आपको ट्रेनिंग सेंटर में तो तब भी आपके लिए एक एडवांटेज है क्योंकि आपने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को हैंडल किया है जब आप तो आपको इंटरव्यू के टाइम में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो ये हमेशा याद रखना क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हो ट्रेनिंग में हो आप सेफ़ में हो जब आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर हो जाते हो बिना जॉब के ये बहुत डिफिकल्ट फेज होगा आप लोगों के लिए और सर्वाइव करने के लिए ओके okay, बाहर क्योंकि इतना ईजी नहीं है जॉब ढूंढना लेकिन उसका भी है कि आप मिल सकता है और क्या होता है देखिए जो जो ट्रेनिंग सेंटर होता है जो ट्रेनिंग सेंटर होता है जो उनके जो सीईओ होते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर होता है और उनके जो सीईओ होते हैं तो वो क्या करते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वो लोग नहीं पढ़ाते अभी मतलब वो जब स्टार्टिंग होता है ट्रेनिंग सेंटर उसी टाइम पे वो लोग पढ़ाते हैं तो अभी क्या होता है वो लोग ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पढ़ाते वो लोग क्या करते हैं उनका एक साइड बिजनेस हो जाता है कि वो एक ख़ुद का कंपनी खोल लेते हैं वो लोग एक वी एल कंपनी मतलब नॉट लाइक जायलिंगस और इंटेल ओके स्मॉल स्माल कंपनी खोलते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं मोस्टली जो वेरीफिकेशन टाइप का होता है सिस्टम वेरी लोग वेस्ट वेरीफिकेशन होता है तो वो लोग क्या करते हैं वो सर्विस दूसरे कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अभी लो वो लोग वही काम में बिजी हो जाते हैं तो इसलिए वो लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि वो दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट वर्क में बिजी हो जाते हैं तो इसलिए वो इवन ही वो विजट भी नहीं करते वो लोग ट्रेनिंग सेंटर को विजिट भी नहीं करते ओके कि ट्रेनिंग सेंटर कैसे चल रहा है कैसे पढ़ाया जा रहा है उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है डेवलपमेंट क्या है बच्चों का वो नहीं देखते वो सब चीज़ें अभी उनको अगर मतलब है किसी चीज़ से मतलब है तो उनका इंटेक्स है कि कैसे कितने बच्चे आए अगर ज्वाइन नहीं किए तो क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते ओके तो अभी जो कंपनी वो लोग खोल लेते हैं ना उसमें क्या होता है जिन लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता क्यों आपने तो बोला है स्टार्टिंग में कि आप प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप अभी क्या होता है कि आप प्लेसमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो बोलो क्या करते हैं अपने ही कंपनी में खुद के कंपनी में वही स्टूडेंट लोगों को कुछ पैसा देके के मतलब टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड दे के वो लोग इंटर्नशिप दे देते हैं मतलब एक साल का इंटर्नशिप या दो साल का इंटर्नशिप या सिक्स मंथ्स का इंटर्नशिप ऐसे इंटर्नशिप प्रोवाइड मतलब ये आपको दिलासा है कि हाँ हम हम लोग आपको बोल हमारे ट्रेनिंग सेंटर आपको बोला था कि हम आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंपनी में ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मिले तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्री है आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन इसमें आपको काम करना है बहुत सारा काम करना है डेफिनेटली सीखने के लिए भी मिलेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी तो कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए अगर किसी ना किसी वैसे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसको ग्रैप करना चाहिए मतलब आप उसको मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखिए क्योंकि वही एक चीज़ है कांस्टेंट जो लर्निंग होता है ना कॉन्टीन्यूस जो लर्निंग होता है उसमें से ही आप आगे बढ़ सकते हो ओके okay? तो ये भी सही चीज़ है एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि आप आपका वो लोग फ़ायदा उठाए और एडवांटेज ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए ओके okay? सो so, आपको वेरीफाई करना है जो भी मैंने डिटेल्स यहाँ पे समझाया आपको वेरीफाई करना है कि क्या जब ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने का प्लेसमेंट क्या है क्राइटेरिया क्या पुट किया जाता है कैसे पढ़ाते हैं कौन पढ़ाते हैं उनका कोर्स मॉड्यूल क्या है पैसा क्या है क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं क्या आप इतना पैसा पे कर सकते हैं आपको फोर्स नहीं करना अपने पेरेंट्स को ये सब करने के लिए पैसा के लिए ओके okay? तो आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको वेरीफाई करना है उसके बाद ही आपको ज्वाइन कर लेना है ओके ओके नाउ द रियल ट्रूथ दे रन ए बिजनेस ओके सो किस वजह से बोलो बिजनेस रन करते हैं ओके okay? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये भी फैक्ट है ओके okay? सभी कंपनी नहीं करते लेकिन बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर है बिजनेस रन किया जाता है कैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि वो एक वो एक जो सी ई होते हैं ना वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं आते और बहुत सारे सी हैं उनके खुद का कंपनी है मतलब वो कंपनी भी रन करते हैं ओके okay? तो अभी क्या होता है अभी कंपनी कंपनी तो यूं ही रन नहीं हो जाता तो ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है नहीं देखिए फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर आपको एक सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है मान ले जावा में तो ये जावा जो सॉफ्टवेयर है मान लीजिए आपको सी में कोडिंग करना है या सी प्लस प्लस में आपको कोडिंग करना है तो ये सब क्या ये है ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब फ्री है राइट जावा ये आपको मिल जाता है फ्री में मिल जाता है इंटरनेट में होकर okay. आप इसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं फ्री है लेकिन आप वी एल का बिजनेस रन कर रहे हैं तो वी एल कंपनी चलाना है वी एल कंपनी तो ऐसे नहीं चल जाएगा ना तो आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा उसके लिए जो वी एल का सॉफ्टवेयर होता है मान लीजिए जायिंक्स या मॉडल से या मेंटर ग्राफिक्स के जो टूल्स होते, होते हैं या कैडेंस के जो टूल्स होते हैं या सिनोपसिस के जो टूल होते हैं या सिनोपसिस के जो टूल्स होते हैं या जो मेट लाइफ के जो टूल्स होते हैं ये जो टूल्स हैं ना ये जो टूल्स है बहुत कॉस्टली है ये सब टूल्स फ्री है और बहुत सारा सॉफ्टवेयर टूल्स है वो आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएगा लेकिन ये जो आपको अगर वेले से कंपनी रन करना है तो डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर अगर खरीदेंगे ये जो जाइलिंग्स होता है ना ये अराउंड मे बी टेन लाख रुपीज़ है इसका और ये ये मत सोचिए कि ये पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको यूज करना है नहीं शायद थ्री टू फाइव ईयर्स के लिए आपको टेन लाख रुपीज़ अराउंड में अभी फाइव टू तो टेन लाख रुपीज़ और जो जो सिनोप्सिस डी है ये बिलीव मे इट इज़ मोर देन वन करोर सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर पैकेज जो पैकेज होता है इट इज मोर देन वन करोर लाइफ टाइम के लिए नहीं है ये भी थ्री टू फाइव इयर्स के लिए ही है सिनोप्सिस जो सिनोप ये डिज़ाइन कंपाइलर जिसका जो सॉफ्टवेयर है कहता है डिज़ाइन कंपाइलर जो कि पावरफुल सिंथेसिस टूल्स है और जो कैडेंस है मेंटर ग्राफिक्स है इनके जो आर टी के टूल्स आते हैं या फिजिकल लेआउट के टूल्स आते हैं या मेटलाफ का जो टूल्स है ये सब फ्री नहीं है ये बहुत सारा पैसा लाखों में आते हैं तो इतना पैसा कहाँ से मिलेगा इतना पैसा आप क्योंकि देखिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो कंपनी होता है यहाँ पे बहुत सारा स्टार्टअप होता है लेकिन वी का स्टार्टअप बहुत कम होता है क्यों वी का स्टार्टअप बहुत कम होता है क्योंकि वी टूल्स आप एफोड नहीं कर सकते हैं जो कंपनी होते हैं जो छोटे छोटे कंपनी हैं जो कंपनी खोलने के लिए जो लोग बैठे हैं वो पहला तो है आपके पास शायद नॉलेज हो सकता है लेकिन आप टूल्स एफोर्ड नहीं कर सकते ये टूल्स कैसे आप जब इतना पैसा है जो वन करो मोर देन वन करो वन टू फाइव करोड़ मान लीजिए सिनॉप्सिस कि आप सिनॉपसिस का सिनॉपसिस खरीद के इतना पैसा लगा के क्या एक टूल्स खरीदेंगे उसके बाद आप लोगों को रखेंगे उनको जॉब देंगे पॉसिबल कैसे है ये सो so, ये टूल्स बहुत कॉस्टली है और ये टूल्स का पैसा कहाँ से मिलेगा क्योंकि आपके जो कंपनी का सी ई है जो ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर ओपन किए थे अभी वो नहीं पढ़ाते हैं वहीं पर वो तो कंपनी खोल लिए तो उनके जो ये ये तो आपके पास तो सॉफ्टवेयर खरीदना है ना ये सॉफ्टवेयर तो खरीद आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी आप अगर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं तो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी टूल्स ख़रीदना है आपको तो वो टूल्स अगर खरीदेंगे तो आपको तो सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन करना है मैंटेन करना पैसा चाहिए तो अभी क्या होता है जो ट्रे जो ट्रेनिंग सेंटर आप चलाते हैं और इसके लिए जो स्टूडेंट्स लोगों को जो आप ट्रेन ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग देते हैं उनमें से जो पैसा आता है उनमें से जो पैसा आता है वो क्या होता है वो पैसा ये टूल्स मेंटेन करने के लिए यूज होता है तो अभी ये, एक एक काइंड ऑफ बिजनेस है क्योंकि आप तो कम ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते नहीं हैं आप ट्रेनिंग सेंटर में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं अब आप आपके कंपनी को देख रहे हैं आप मैक्सिमम टाइम वहीं पे स्पेंड कर रहे हैं आप ट्रेनिंग सेंटर के ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस यूज नहीं हो रहा है बच्चों के लिए तो आप क्या कर रहे हैं जो पैसा बच्चे देते हैं उसी पैसे से आप आपका सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं आपका जो सॉफ्टवेयर का टूल्स है जो वी सॉफ्टवेयर के टूल्स है उसी चीज़ को आप मेंटेन कर रहे हैं और वो मेंटेन करके वो आप अपना कंपनी चलाते हैं ओके okay, यही होता है मैगज सो तो बहुत सारे ऐसे मतलब ये है कि बिज़नेस कैसे रन किया जाता है वी एल ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तो ये है उसका फैक्ट ये है कि कि एल ए से बिजनेस रन किया जाता है कि आपके जो 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 वी एल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उन्हीं के पैसे से उनका सॉफ्टवेयर मेंटेन किया जाता है उनका सॉफ्टवेयर का जो पैसा है वो वो मेंटेन किया जाता है ये फैक्ट है ये ये शायद कुछ लोग डिनाई कर सकते हैं लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ओके सो इट्स डेफिनेटली प्योर बिजनेस लेकिन बहुत सारे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेकिन कुछ ट्रेनिंग सेंटर है ये बिजनेस चलाते हैं ओके लेकिन हमारा जो मेन मोटो है जब हम ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं हमारा मेन मोटो ये नहीं होना चाहिए नहीं है कि हम हम पैसा पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा मोटो होना चाहिए कि हमको सीखना है हमको चीज़ों को सीखना है लर्न करना है तो उसी के लिए क्या चाहिए कॉन्स्टेंट आपको हार्डवर्क करना है हार्डवर्क करना है आपको पैसेंस होना चाहिए क्या चाहिए आपको दो चीज़ हमेशा चाहिए यह मतलब नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं क्या चलाते हैं प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं तो डेफ़िनेटली अच्छा है प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमारा जो जिस जिस चीज़ के लिए हम ज्वाइन किए हैं ट्रेनिंग सेंटर वो ज़रूरी है और वो क्या है योर हार्ड वर्क एंड योर पेशेंस पैसेंस ओके ये दो चीज़ आपको जॉब प्रोवाइड करेगा एट द एंड ओके एट द एंड ऑफ द डे योर हार्ड वर्क एंड योर पेशेंस ओके यही आपको जॉब प्रोवाइड करेगा तो हमसे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए हमको कि वो लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को या वो क्या कर रहे हैं लेकिन हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं इतना पैसा हम लगा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पैसा लगा रहे हैं ढेर सारा पैसा और ट्रेनिंग सेंटर के लगा रहे हैं तो हमको क्या करना है हमको सीखना है हमको वो ट्रेनिंग सेंटर में सीखना है पूछना है जो जिन लोगों के पास नॉलेज है हमको नॉलेज को शेयर करना है नॉलेज गेन करना है और ये वी एल एस इंडस्ट्री में एक कैरियर बनाना है क्योंकि उसी कैरियर के लिए हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है इतना पैसा स्पेंड किया है तो डेफिनेटली हार्डवर्क आपको नहीं छोड़ना है और आपके पास पेशेंस वी एल एस इंडस्ट्री में है तो आपके पास एक पेशेंस भी होना चाहिए विदाउट पेशेंस में वी इंडस्ट्री में क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जॉब अगर नहीं मिलता है तो बहुत ईजी है आगे आगे जाके सर्वाइव करना है। तो ये पैसेंस बहुत जरूरी है ओके ये पैसेंस बहुत जरूरी है और हार्डवर्क तो आपको हमेशा करना ही है सो फ्रेंड्स इट इज़ ऑल अबाउट वी एल इंडस्ट्री सॉरी वी एल ट्रेनिंग सेंटर की वी एल आई कैसे रन करते हैं आपको क्या, है? आपको क्या करना है आपको क्या नहीं करना है ओके आपके दिमाग में अगर है तो शूड आई जॉइन वी एल इंडस्ट्री डेफिनेटली यू शूड ज्वाइन वी एल इंडस्ट्री लेकिन आप ये भी देखिए कि आप फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं तो डेफिनेटली क्योंकि आपको एक नॉलेज गेन हो रहा है आपको जो नॉलेज आपको शायद आपके डिग्री प्रोवाइड नहीं कर पाया वो आपको एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कर सकता है तो येस यू शूड ज्वाइन वी एल एस ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेकिन आपको फाइनेंशियली फाइनेंशियल स्टेटस स्टेटस को भी कंसिडर करना है ओके okay. सो so, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक uh, यू आप लोगों को सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप अगर कंटेंट को अगर पसंद किए तो आप लाइक like कर सकते हैं प्रेस लाइक like बटन को प्रेस कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच